कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तोहपै स्वामी, मानस की गत एही। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेर उपावो, डूब दे पत्थर तारे। सतनाम धन वाहे गुरु, साहिब जियो। धन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान। इन में कछ संगी नहीं, नानक साची जान। धन दारा संपत सगल, जिन अपनी करमान। इन में कछ संगी नहीं, नानक साची मान। पतित उदाहरण पै खरन, हर अनाथ के नाथ। कहो नानक तेह जानी है, सदा बस्त तुम साथ। पतित उदाहरण पै खरन, हर अनाथ के नाथ। कहो नानक ते जानी है, सदा बस्त तुम साथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग, जुगो जुग अटल साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी, और देश प्रदेश विच अपने घरां विच बैठ सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज हजूर दे अमृत बचन शलोकां दी विचार आप जी श्रवण कर रहे हो। अज सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज हजूर दा आगमन गुरपुरब है। आप समूह संगत नू बहुत वधाई होवे, और जिस सतगुरु जी दे संबंध विच अमृत बाणी विच गुरु साहिब दे घर दे रबाबी गुरसिखा ने यह बचन कहे ने, होवै सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटियै। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी महाराज आप जी दे दरबार विच
पार ब्रह्म परमेश्वर खसम वाहगुरु जी की सिफत हुंदी है। आप जी उपर अरशा कुरशा तो रूहानी नूर झटिया जा रहा है और जिसने आप जी दे दीदार पाए उस दे जन्मा जन्मा दी मैल आप जी दे दीदार ने ही कट दित्ती। होवै सिफत खसम दी नूर अरशों कुरशों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी घटिया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्हां दे दो अमृत शलोकां दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। आओ इन्हां अमृत बचना दे अखरी अर्थ समय अनुसार व्याख्या भाव अर्थ जो सतगुरु मेहर करके बख्शनगे ओ आप जी नाल सांझे कर सकां। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने अज दे इस विचार अधीन दो शलोक ने पहले शलोक विच बख्शिश कीती है धन दारा संपत सगल। आपां पहला उस शलोक दे अर्थ करने आ अखरी उस तो बाद उस दी विचार कीती जांदी है। अखरी अर्थ शलोक दे इस करके प्रारंभ विच कीते जांदे ने कि साढ़े सारियां दे जेन विच एक गल रहे कि अज दी विचार दा धुरा मरकज़ जा अज दी विचार दा विशा की है। सतगुरां ने पहले शलोक विच बख्शिश कीती धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान। इस विच पहला शब्द सतगुरां ने वरत्या है धन, इस दा अर्थ असी दौलत करिए। दूसरा शब्द है दारा, दारा दा अर्थ है इस्त्री। तीसरा शब्द है संपत, ते संपत दा लफ्जी अर्थ संपत्ति जायदाद जमीन भोए भांडा घर माल गड्डियां। हजूर कह रहे ने दौलत, दूसरा शब्द इस्त्री, तीसरा संपत्ति, सगल दा अर्थ है सारे। धन दारा संपत सगल महाराज कहने जिन अपनी करमान, जिस जीव ने जिस मनुख ने इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपनियां जान लिया है, ये मन च मन लिया है ये सब कुछ मेरा है, उहदे ते उह काबज है। धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान, पर हजूर कहिंदे ने याद रख इन मैं, इन मैं दा अर्थ है जिहड़े पहला तीन गिण के आया धन दारा संपत। इन मैं इन्हां विच्चों महाराज कहिंदे ने इन मैं कच संगी नहीं, ना दौलत ना इस्त्री ना संपत्ति, इन्हां विच्चों कोई भी साथी नहीं, कोई भी नाल निभण वाला नहीं। ते नाल अगला शब्द क्या कि यह शब्द तैनूं ध्यान दे के सुनने चाहिए ने महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी। क्यों कहिंदे ने कई वारी गल होवे बंदा इन्ने ध्यान नाल नहीं लैंदा, इन्नी गहराई नाल नहीं उहनूं सुणदा। हजूर कहिंदे ने इन मैं कच संगी नहीं नानक साची जान। इस गल नूं सच जान, इस गल नूं समझ कि इन्हां विच्चों कुछ भी तेरा साथी नहीं, इस गल नूं जेन विच लै के तुर। एक है इस विचार अधीन पहले श्लोक दा थोड़ा जा अखरी अर्थ जा इस दे अर्थ। तीन बेनतियां करांगा, पहला शब्द धन क्योंकि अपनी विचार दा मकसद एवे कि सतगुरु दे इस अमृत श्लोकां दा पाठ अक्सर घरां विच सहज पाठ करदे आं, श्री अखंड पाठ साहिब करदे आं, बाणी दा पाठ करदे आं, कई प्रेमी भोग दे श्लोकां विच शमूलियत करदे आ। चलो बाणी दे अर्थ बोध होने बहुत चंगी गल है,
उंज बाणी दे अर्थां दा कदी भी पारावार नहीं पाया जा सकदा। ते सब तो वो अग्ञानता दी बात हुंदी है जदों इंसान ये कहन लग पवे मैं सब कुछ ही जान गया हाँ ते मैनू सब कुछ पता है। ये तो जिन्नी जिन्नी किसी नू परमात्मा सुरत दी सोझी देंदा है वो सतगुरु दी बाणी दे अर्थ करेगा। इत्थे शब्द है पहला धन, धन का अर्थ कीता दौलत पैसा करंसी जो शब्द वरतीए। उंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ा धन लफ्ज़ है ये बहु अर्थां विच सतगुरां ने वरतिया है। जिवें थोड़ा जा इस विचार नाल संबंध नहीं इहदा पर फिर भी चलो जानकारी लई आपां निठ के बैठे हां विचार करन लई। धन लफ्ज़ बहु अर्थां विच वरते है, उचारण एक है, अर्थ एक नहीं अर्थां मिलेगा। हुण इत्थे धन शब्द जिहड़ा इहदा अर्थ है दौलत, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच किसी शब्द पढ़ने आ धन फिर इह ना आखियन जे बहन इकट्ठे होए। हुण उत्थे धन का अर्थ है पत्नी इस्त्री। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक अमृत बचन हुंदा धन कह तू वस मैं नाले प्रह सुख वासी बाल गुपाले। लफ्ज़ उत्थे भी धन है पर उत्थे धन का अर्थ है काया आ शरीर, उत्थे काया रूपी इस्त्री। सतगुरु की अमृत बाणी विच एक बचन आता है कि काचा धन संचय मूर्ख गावार। उत्थे काचा नाल जदों शब्द धन आ गया अदा अर्थ बिनसन वाली दौलत। बाणी विच एक शब्द आता है ए धन अखुट नान खुटै ना जाए। उत्थे धन का अर्थ है परमात्मा का नाम। एक सतगुरु का बचन हुंदा है शाबाशी ले, जिवें असीं एक पाठ करने आ धन धन गुरु नानक समदर्शी। इत्थे धन का अर्थ धनता योग सन्मान योग शाबाशी दित्ती गई, सत्कार किया गया। जिवें सतगुरां ने परमात्मा लई भी धन शब्द, गुरु लई भी धन शब्द। वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन 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 गुरसोई। उत्थे धन दर ते शाबाशी। इत्थों तक कि करनी वाले महापुरखां लई गुरमुखां लई भी शब्द वरते है धन 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 जन आया। मेरे कहण तो मुराद गुरु साहिब जी ने धन शब्द की अर्थ बाणी च बहु अर्थां विच कीती लफ्ज़ वरतिया। इत्थे धन का अर्थ है दौलत, दूसरा शब्द वरते है दारा, दारा का अर्थ है इस्त्री। संपद का अर्थ है संपत्ति, जिन अपनी करमान। इस नुकते नु सुनियो, जिन अपनी जिस जीव ने जिस मनुख ने उन्हू अपनी समझ लिया है। अपनी तो मतलब मेरी ही है, मेरे तो बिना किसी को यह वस्तु हो ही नहीं सकती। महाराज कहते नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, इस विच्चों कुछ भी साथी नहीं, इस गल नू ज़ेन विच सच्ची करके जान। गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुख की बिरती बारे हजूर ने बख्शिश की कि देखो ये सारी दी सारी खेड जिहड़ी है जिहड़ी धन दी भी चलती पई है। इस विच इंसान का यही है ना कि मेरे को बहुत सारी दौलत होवे ते दौलत नाल मैं बहुत कुछ खरीद सकना, दौलत नाल जमीन, दौलत नाल गड्डियां, दौलत नाल असी सहूलतां वाले पदार्थ खरीद सकने। पर मैं एक बेनती करा, अज परमात्मा ने जिहड़ा वरतारा वरत रहा है उत्थे हर चीज़ दुनिया दी, वो दौलत सी, वो सियाणप सी, वो अकल सी, वो खोज सी, हर चीज़ नू परमात्मा ने हर वस्तु नू सचमुच हैरानी दे विच पा के रख दिता, खास करके इंसान। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरते आ कि दौलत, तो यह जदों मनुखी मन पर अपना पूर्ण प्रभाव पाती है। मैं ये बेनती कर रहा, यह शब्द अपनी करमान ये अर्थ करेगा, ये अर्थ खोलेगा अपनी शब्द, क्योंकि ये भी आएगा जे ये नहीं तो फिर आप परिवार विच क्यों रहने। पति पत्नी का रिश्ता है, असी सारा दिन किरतकार करने, यदा मतलब कि मैं ये भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों अर्ज़ करांगा। पहली गल मनुखी बिरती का जिक्र महाराज जी ने किया कि माया ने अपना मोह सारे संसार दे उत्ते पाया होया है। इत्थे सच एवे कणक और कामनी विच जीव परविरत है। महाराज जी का बचन है माया मोह सगल जग छाया, कामन देख काम लुभाया,
सुत कंचन सों खेत बधाया। ये शब्द माया ने सारे संसार ते अपना परछावा अपना ये छां कीती हुई है। कामनी देख के काम तुर है इंसान, पुत्र स्त्री दौलत देख के उस नाल मोह है। पर महाराज कहिंदे ने देखो, ये कहिंदा स्त्री मेरी, पुत्र मेरे, धन मेरा, दौलत मेरी, पर बाबा जी कहिंदे ने भलिया जिहड़ा असल विच तेरा है उहनू कदी तू मेरा कहा ही नहीं। सतगुरु का बचन कह माया मोह सगल जग छाया, कामन दे काम लुभाया, सुत कंचन सो खेत वधाया, सब किछ अपना एक राम पराया। ये हर चीज़ अपनी जान ली, ये मेरी है। तो महाराज कह रहे नहीं, ये सिर्फ तेरा एक भुलेखा है, ये कुछ भी तेरा नहीं। जिमें सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी का बचन है, राज कपटंग, रूप कपटंग, धन कपटंग, कुल गर्भत है। ये शब्द चार महाराज जी दे सुन वाले ने। राज कपटंग, इत्थे कपट दा अर्थ छल। जे तू कहना राज भाग मेरा, तो महाराज कहिंदे ने यह भी छल, यह भी कोई जरूरी नहीं तेरे कोल ही रहे। दूजी गल, जे तू समझना रूप मेरा सुहापन, यह भी एक छल है, यह भी ढल जाना है। तीसरा बचन कीता धन, यह भी एक छल है। तो जे इस अहंकार विचे मेरी कुल बड़ी उच्ची, तो महाराज कहिंदे ने यह भी छल है। राज कपटंग, रूप कपटंग, धन कपटंग, कुल गर्भत है, अपनी कुल का हंकार गर्भ, यह भी कपट है। महाराज कहिंदे सचंत बिख्या शलंग शिदरंग, नानक बिन हर संग ना चालते। इस शब्द नूं फिर सुनियो, सचंत बिख्या, तू छल करना पिया, कपट करना पिया, पर यह कुछ भी तेरे नाल नहीं जाना। महाराज कह रहे ने कि परमात्मा दे नाम तो बिना नहीं। तो महाराज ये सोहना बड़ा लगता है, सतगुरु अगे उत्तर देंदे, एक उदाहरण देंदे, राज कपटंग, रूप कपटंग, धन कपटंग, कुल गर्भत है। महाराज कहिंदे ने सचंत बिख्या शलंग शदरंग, नानक बिन हर संग ना चालते। अगला बचन है पे खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना। सच्ची मुची तुम्मा जड़ा है वह किन्ना सोहना लगता है, अंज प्रतीत हुंदा जिवें खरबूजे वर्ग है। पर महाराज कहिंदे ने भड़िया तां कुड़त्तन नाल कह, पे खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना, अड ना लहंदड़ो मोल, नानक साथ ना जुली माया। धन गुरु अर्जुन साहिब महाराज कहिंदे ने प्यारिया ये साथ निभण वाले नहीं, हाँ गुजरान खैन, इच कोई दो रावां नहीं, क्योंकि इत्थे जिहड़ा शब्द अपनी करमान है, ये गल साडी नूं खोलदा है कि इहदा मतलब तू ये कब्जा मत करके ये मेरे साथ निभण वाले ने। गुजरान का अर्थ है जिन्हां ने गुजर जाना है, तेरे नाल सदा नहीं टिकना। इत्थे करके महाराज गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने दौलत गुजरान किया सी, इस्त्री ईमान किया सी, पुत्र निशान किया सी, फकीरी ना हिंदू ना मुसलमान किया सी। ये तो रब की दात है। हजूर सच्चे पातशाह कहिंदे ने भाई मान लो इहनू इकट्ठिया कर लै अपनी करके तारें, तो ये वैर फिर निकलता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बचन है कि धन अर भूम पुरातन बैरा, धन दा और जमीन दा ये पुरातन समय तो जिहड़ा ये वैर चलिया आ रहा है। मान लो जिहड़ा इंसान ये समझदा कि सब कुछ मेरा है, इन्हें मेरे नाल निभना है। धन गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे ने इस गल नूं सच जाण, इस विच निभण वाला नहीं। इत्थों तक मौत तो बाद दा तां बात ही करी वक्री है, इत्थे ते जिउंदे जी लोग साथ छड़ जांदे आ, ये जिन्होंने अपने कहने आ। एक खिन लगता है, सतगुरां ने बाणी विच उदाहरणां भी दित्तियां। मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना कि जिन्हें आ परछावें नाल तुरदे आ ना, जिन्नी देर तक आप जी कोल सुख है, दौलत है, पैसा है, मैं संसार की गल कर रहा, गुरमुख की नहीं, संत की नहीं, गुरु की नहीं, सच ए वे बंदे नूं समझ ही उदों पैंदी जदों सारे बंदे साथ छड़ जांदे। सतगुरां ने एक बाणी विच बचन भी कहा कि देखो जिन्नी देर तक आपां सुख विच हाँ, जिन अपनी करमान कि ये इस्त्री, ये पुत्र, ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये सब कुछ मेरा, सच जे बंदे दे तुर अंदर रब दी थां ते ए ही फुरने पए हुंदे आ कि मेरे कोल इन्नी ताकत, मैनू किसे दी की परवाह,
मेरे पिछे इन्ना बल, मेरे पिछे इन्ने बंदे, मेरी इन्नी दौलत, मेरा राज पाग। नहीं प्यारो, ये गल चेते रखो, इस फुरने नू मन चो अज मिटा दईए, हर चीज़ धरी तराई रह जाएगी, इस विचो कोई भी अपना लगे। सतगुरां दा एक बचन है महाराज जी का, हजूर कहिंदे आ कि तुसी धुप विच चलो, चानण विच चलो, तो आप जी देखोगे जिन्ना आपां चानण विच चलांगे उन्नी देर तक जिहड़ा परछावां साडे तन दा साडे नाल नाल चलेगा। खब्बे जाओ सज्जे जाओ, परछावें दा संबंध सिर्फ ते सिर्फ चानण दा है, परछावें दा संबंध हनेरे नाल नहीं। चानण विच चलांगे परछावें साथ चलणगे, हनेरे विच जांगे ते तन दे परछावें भी साथ छड़ जांदे आ। प्यारिओ, धन दा चानण होवे, राज भाग दा चानण होवे, ये चीज़ा परछावें दी तरह लोक नाल तुरनगे। जदों बंदा दुख दे हनेरे विच डिगदा, सच एवे कि उस वेले हनेरे विच ता तन दा परछावां भी साथ चढ़ जांदा। मैं बेनती करा सतगुरां ने इस संबंधी एक बचन क्या है, जिन्हों कहना ये साड़ी मेरी, ये मैं अपनी, मैं सारी जिंदगी बड़ी मेहनत की, ये मेरा सब कुछ है। सतगुरां दा एक बचन है महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी का, कि इन मैं कश संगी ने गुरु तेग बहादुर साहब के बचन की व्याख्या ली। हजूर का एक सवैया है कि तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तिरे ऐ भज जय है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह कहने तेरे तन दे छड़न की खबर मिलन की देर है, तो सच ए वे तेरे इसत्री ने भी तेरे नेड़े नहीं लगना। तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ तेरे प्रेत बखान तिरे ऐ भज जय है। पुत्र कलत्तर सुमित्र सखा ए बेग नकारो आयस देख है। हुण ए शब्द नू पुत्र इस्त्री परिवार इको गल कहिंदे आ, हुण जल्दी करो, इनू ज़्यादा समा रख नहीं सकना। पर अज दे वरतारे ने यह भी कह दिता भलिओ, उदा तो मृतक नू भी कहिंदे सन चलो छेती मोढ़िया चुकल जाइए, अज तो इन्ना स्वार्थ हो गया बंदा खून दे रिश्ते दी बॉडी तो भी डर लगदा पिया। महाराज गुरु ग्रंथ साहिब ये शब्द कह के गए प्यारिया, डरदे ने लोग। तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रेत बखान तिरे ऐ भज जय है। पुत्र कलत्तर एने सारे तेरे, पुत्र कलत्तर सुमित्र सखा इस बेग निकारो ऐस दैख हैं। भौन भंडार धरागढ़ जेतक जिन्नी मर्जी दौलसी, छाड़त प्राण बेगान कह हैं। चेत रे चेत अचेत महापश, अंत की बार अकेलो ही जय है। जिन्हों तू कह रहे ये मेरा अपना है, सतगुरु कहने नहीं, इस भुलेखे नू अपने जेन विचों कढ़ दे। उंज सानू गुरमत दे जिहड़ी रोशनी में सतगुरु ने मेहनत की, कई बारी सारी जिंदगी बंदा मेहनत करता है, पर याद रखो इहो जिहा परिवारां दा सिस्टम हो जाता है कि मेहनत करन वाला मेहनत करदा जांदा है पर भोगण वाले कोई होर आ जांदे आ। उहनू भोगणा, उहनू मानना नसीब नहीं हुंदा। सतगुरु दे घर दे महान व्याख्याकार श्रीमान भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी का एक बचन है, तो यही ये बिरती है, बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, ये इन्ना कुछ मेरे को मैं होर कोई परवाह ही नहीं। उन्होंने एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिती है, उन्होंने कहा देखो जिहड़ी शहद की मक्खी है वह एक एक फुल ते बैठ के उहदी मकरंद उहदी सुगंधी सींचदी है, इकट्ठिया करदी, उहनू एकत्र करदी, तो वह सारे फुलां तो किन्नी दूरों फुल वेख वेख के उस सुगंधी नू लिया के इकट्ठिया करके शहद बनता है, तो उहदे मन च भी हुंदा भी इन्नी मेहनत कीती है, ये बहुत सारा शहद इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं इस शहद का आनंद माणांगी, इहनू खावांगी जां इहनू भुंचांगी। याद रखियो, शहद की मक्खी बेचारी फुल फुल ते जा रही है, पर जिन्हें कल नू आ के शहद चो के लैके जाना है वह मक्खी की तरह फुल फुल ते नहीं जा रहा। मेहनत मक्खी कर रही है, तो जदों शहद बन गया पक गया, पुराने समय से जी जदों कितें शहद पक जाता सी पहला देखना पिंडां च वी रुख ना लगा, वेखना भी आ अजे शुरू होया, जदों पता लगना भी सिमन लग पिया तो फिर की करदे सन, पराली लै लैनी, कख लैके थले अग बालनी, धू निकलना तो उस धूं नाल मक्खियां उड़ जानियां तो शहद चो के घर नू लै जाना। प्यारे हो, इकट्ठा करन वाली मक्खी है
ते खाण वाला कोई होर जिन्ने इकट्ठा किया ओदियां अखां च धूं पै गया ते प्यारे उह खाण वाला कोई होर आ गया। महाराज भाई साहब कहिंदे आ देखियो मना शहद दी मक्खी इकट्ठियां कर दीए पर खाण वेले ओदियां अखां च धूं पा दिता जांदा है। दूसरा बचन किया कि गां चरदी है। बार पहला खेतां विच मझा गावां चारन लई लिजांदे सन, वह जमीन ते पै कोई घा नूं अपने दंदा नाल खिच खिच के पेट भर दीए इस करके कि मेरा बच्चा उन्हूं रात नूं मैं अमृत दुध दे सकां। ते जदों गां घर आई बच्छा छड्डिया ते उस वक्त उस बच्छे ने भी एक स्थान मूँह च पा के नहीं चुंगिया, वह भी चार बदलदा वार वार कदी एक नूं एक दूजे नूं अपने मूँह च चुंघदा पा के जो गुरबाणी ने कहना शब्दां नूं वर्तन तो संकोच नहीं करांगा। ते जेकर कह भी तू तेनूं दुध मिलिया तू पीओ दे मन च भी कहे ये इकट्ठा उतर जाएगा दुध फिर मैं पियांगा। ते महाराज कहिंदे आ बस चेते रखी गां इकट्ठा करन वाली है वच्छा बहाना दुध उतरन दा। जदों अस्थान दुध नाल भर जांदे आ ते मालक वच्छे नूं खिच के पिछा बन्ह दिंदा है ते चो के अपने बच्चों वास्ते लै जांदा। मैं सिर्फ इस करके उदाहरण दे रहा मक्खी समझदी है शायद मेरा पर वह बेचारी नसीब नहीं हो रहा। गां दुध अपना समझ के बच्चे लिए कतर कर दी उस दुध नूं चुंघ के वह बच्चे का पेट भरना चाहती है ये दुध चुंघदा बच्चा पर उहनूं पीण वाला कोई होर आ जाता है। तीसरी बेनती मैं होर करा कि चूहा विचारा जमीन पट पट के खुड बनांदा है वर्मी बनांदा है पर कमाल दी गल सप कदी खुड थोड़ा बनांदा है। चूहा खुड बना रहा है सप आउंदा उहनूं मार के बाहर कढ़दा है उस खुड विच रहिण लग पैंदा है। श्रीमान भाई गुरदास साहिब इह गल कहिंदे आ भाई सिखा देखी इहनूं अपनी ना समझी क्योंकि मक्खी भुलेखे च पै गई गां भुलेखे च पै गई चूहे नूं भुलेखा पै गया। मेहनत करन वाले कोई हो गए ते भोगण वाले कोई होर आ गए। भाई साहब दे शब्द ने जैसे मद माखी सींच सींच कै अकत्र करै खरै मधु आए तां कै मुख शार डार कै जैसे बश हेत गौ संचत है खीर तै लेत है अहीर दोहै बछरै बिडार कै जैसे धर खोद खोद कर बिल साजै मूसा पैसत सर्प ताए खाए ताहे मार कै तैसे कोट पाप कर माया जोर जोर मूर अंतकाल छाड़ चले दो कर चार कै। जिन अपनी करमान तैसे कोट पाप कर महाराज कहते करोड़ा पाप किते पर अखीरले समय होया उ जो वच्छे नल होया जो सच्ची मुची चूहे नल होया। मेरे कहने तो मुराद सतगुरु कहते हैं जेड़ा तू धुर अंदर ये कहना कि मेरी दौलत मेरा परिवार मेरी जमीन मेरी भोए भांडा महारे सच्चे पातशाह कहिंदे आ नहीं हो प्यारिया ये तेरा नहीं। अगली बेनती फिर एक सवाल है इस श्लोक विच कि देखो जी फिर तो कोई फायदा ही नहीं की लोड़े बच्चों की परवरिश का की लोड़े परिवार की क्योंकि अगा वधू यह समाज कहेगा। मैं एक बेनती करांगा इस लफज वल ध्यान दिया जे कि धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान जिस बंदे ने ये समझ लिया अपनी ये मेरी है अपनी समझ के भुलेखा पैंदा है पर प्यारे जे गुजरान रख के चलेगा तो भुलेखा नहीं पाएगा। इहनूं समझण लई एक उदाहरण दस दिंदा है। धन गुरु अमरदास महाराज आप सब नूं पता है वह अपनी जिंदगी का काफ़ी समा तीर्थ इशनान विच भी बतीत कर रहे ने तीर्थ इशनान करन जांदे रहे। जदों वो अखीर वारी तीर्थ इशनान करन गए ते साडे इतिहास ने घटना का जिक्र किया है कि एक दुर्गो पंडित सी ते जिन्ना अपने घर दे विच जिवें आपां सरावां बनाने धर्मशाला है इस तरह उन्हें अपने घर च टिकाणा बनाया। जिहड़े यात्री तीर्थां ते जांदे सन इशनान करन उन्हां वास्ते वह रहण दा प्रबंध करदा सी भोजन दा प्रबंध करदा सी ते वह यात्री जिहड़े सन उहदे बदले कोई ना कोई उहदी सेवा कर जांदा सी। चलो वह धर्मी पुरश सी सियाणा सी विद्वान सी। हजूर सच्चे पातशाह जदों तीर्थां ते गए ते उस वक्त
ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਪੋਟਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਦੁਰਗੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਪਦਮ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਲਜਲ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਪਦਮ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੱਟ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਣ ਹੈ ਸਿੱਧ ਮੁੱਖ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੋਵੈ, ਰਿਤ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਧਰਮੋ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਆਸਥਾ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਰਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਮਲ, ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਸਿੱਧ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਲ ਜੋਏਦਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਾਰਜ ਕਰ ਦਾਹਣ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਸਨਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕਾਂਤਰ ਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਸ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਆਕਈਓ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜੋ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਭਰੇ, ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਮੁਕਰ ਭਾਵੈ, ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਸੰਗ ਹਰੇ, ਕਾਚ ਬਿਹਾਜਨ, ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ, ਬੈਰੀ ਸੰਗਹੇਤ, ਸਾਜਨ ਤਿਆਗ ਖਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਨ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਹੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, 12 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ।
अज जो गुरता गद्दी ते असीन हो गए तो महाराज दोबारा फिर तीर्थ ते गए। इस नुकते नु सुनियो, गुरु रामदास जी ने नाल ने उन्होंने इस गल का जिक्र किया। तुखारी राग विच उन्हां कहा यमुना च की होया, कुलखेत की होया, उत्थे एक शब्द वर्दन तीर्थ उद्दम सतगुर किया सब लोक उदरन अर्थ। सतगुरां ने लोगों के उधार लई तीर्थ नु तारन वास्ते गुरु गया। हुण वेखो खेड, वह सज्जन जिन्हें कई साल पहला कहा कि मेरी विद्या मुताबक ही होगा, सतगुरु गुरु अमरदास जाते ने ते इकट्ठ हुंदा है, वह पंडित दुर्गो रस्ते विच मिलदा है ते पुछदा जी ये कौन। पता लगदा है भी धन गुरु नानक साहिब महाराज उन्हां दी गद्दी ते असीन तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी ने। पंडित दुर्गो उस इकट्ठ वल जांदा है ते जदों सच्चे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी दे दर्शन करदा है, स्वरूप देखदे आ सार चेते आ जांदा है ये तां ओही महापुरख ने जिन्हां बारे मैं शब्द पहला कहे सां। अगे वध के सतगुरां नूं नमस्कार करदा है। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा भी अपनी करमान ना करी, हाँ ये दाता गुरु देंदा है, मत्था टेकदा है ते सतगुरु जी नूं शब्द वरदा है कि महाराज जी आप जी ने मैनूं पहचाणिया। सतगुरु कहिंदे ने पहचाणिया भी नहीं, केवल पहचाणिया नहीं, तेरे नाल जिहड़ा बचन कीता है दुर्गो जो मंगेगा तैनूं मिलेगा, वह चुप कर गया। हजूर कहिंदे ने उदों केवल थैली विच दौलत सी, अज गुरु नानक साहब जी ने अपने घर के खजाने दीआं रहमतां सानूं दे दित्तीआं। इस घर का खजाना सानूं बख्श दिता है, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता परवान। पंडित दुर्गो चुप कर गया। सतगुरु फिर कहिंदे आ पंडित मंग, साडे इतिहास दे बोल ने वह हाथ जोड़ के कहिंदा मैनूं समझ नहीं पै रही मैं की मंगा। सतगुरु कहिंदे दौलत जो कहेगा। इत्थे सुनने वाले बच्चे ने कहिंदा बाबा जी मन च तां इह सी दौलत मंगा कुछ मंगा, पर तुहाडी संगत विच आया इत्थे समझ पै गई कि जिंदगी दा मनोरथ कुछ होर है, हर चीज़ ये नहीं। तो महाराज कहिंदे दस, कहिंदा जे तां मैं मंगना दौलत मैं दुबदा च पै गया, जे दौलत मंगना तो अगे रब दे घर च नाम तो बिना ढोई कोई नहीं मिलनी, सिमरन तो बिना थान नहीं मिलनी। जे मैं नाम मंगना तो मैनू इंज लगता रुपया तो बिना दौलत तो बिना समाज ने नहीं जीन देना। महाराज ने बाणी च कहा है ना, ग्रह शोभा जाके रे नाहे आवत पईया खुदे जाहे। कबीर साहब कहिंदे जिस घर च टके नहीं चार आउण वाले नूं रोटी भी नहीं खवाई जा सकदी। हालांकि सब तो वध बाणी जे देखिए कबीर साहब डांग लै के माया पिछे पए आ, उत्थे उह कहिंदा जे नाम मंगना तो रोटी नहीं खवाण जोगा कुछ, तो जे धन मंगना तो नाम तो बिना अगे सट्टां पैंदियां ने, मैनूं समझ नहीं पैंदी मैं करां की। साध संगत जी आ बचन सुन वाले जे, कवि संतोख सिंह ने गुरप्रताप सूरज विच लिखे है, पंडित दुर्गो कह रहे नाम देहे धन देहे ना जन को, धन विहीन जन जग ना सुहाए। जे नाम दे दिता धन तो बिना की बनना, नाम देहे धन देह ना जन को, धन विहीन जन जग ना सहाए। जो धन देवें नाम ना देवें, नाम बिना जन जम पुर जाए, नाम तो बिना जमा दे वस पै जाऊंगा। तुम पै कही नहीं बने आवे, ज्यों भावे त्यों बंत बनाए, मैनू समझ नहीं पैंदी तेरे तो मंगा की। अगे कहिंदे ने गुरु अमरदास तेजो को नंदन, इहदा मतलब धन गुरु अमरदास बाबा तेज भान दा पुत्तर उहदा बेटा दोनों निर्मल पंथ चलाए। कहिंदे याद रखी घबरा ना, गुरु नानक साहब दे घर विच दोनों निर्मल पंथ ने। महाराज की अगे जिहड़े बचन कह कह लगे, जब लग जीवो धन बहु पावो। इहनूं जिंदगी दा मंजिल ना समझी, जिन्नी देर तक जिवेगा धन दी कमी नहीं रहनी। पर एक गल याद रखी, धन तो वध उस करतार दा चिंतन करी, इस धन नाल लोक विच कार्य धर्म होण धर्मी होणगे, ते जे नाल बंदगी करेगा ते जमा नाल कदी वाह नहीं पएगा। महाराज ने कहा गुरु अमरदास तेजो को नंदन, दोनों निर्मल पंथ चलाए, जब लग जीवो धन बहु पावो, सिमरो सत नाम लिवलावो। महाराज कहिंदे ने पुन दान कै लोक सदै हैं,
अंतकाल जम नहि दर्शै है। मेरे कहण तो मुराद ये शब्द जेड़ा है धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान अपनी कब्जा कर लिया मेरी है। तो महाराज कहते बस यही झूठ है, इन मैं कछ संगी नहीं, नानक साची जान कहते मेरी गल नू सच जान, ना इस्त्री ना परिवार। मैं हुणे बेनती की गुरु नानक साहब कहते जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस तंगीर। ये शब्द हजूर का तिलंग रखता है, इस्त्री पुत्र पिता माँ बाप कहते केड़ा ये जरा सा खातर कह भी मैं जान नू तैयार हाँ। जन पिसर पदर बिरादरा कस नेश दस तंगीर आखिर ब्यफतम कस ना दर्द चू शबद तकबीर। महाराज कहते ने कोई इस विचों दस तंगीर नहीं, कोई बाँह पकड़न वाला नहीं। इस दा मुराद ये शब्द दा भी अपना जिंदगी दा मकसद ये ना समझी सब कुछ यही है। सतगुरु फिर बचन कर दे इन मैं कह संगी नहीं। तुम दसो अज तक बाकी दौलत की गल छड़िए आ जिहड़ा शरीर लैके आए ये किहड़ा आत्मा का संगी है, इन्हें भी इत्थे रहना है, इन्हें इत्थे सड़ जाना है, अंदर वाला भवर उडारी मार जाएगा। कबीर साहब ने एक बड़ा प्यारा बचन क्या है, अजकल भी हालात जेडे ये कहने भी पुराना पला पहला समा बड़ा चंगा सी। मैं कई बार कहना नहीं प्यारियो गुण ते अवगुण पाप ते पुन नेकी ते बदी ये कट्ठियां चल दियां पईयां ने। जिद्दन रब ने इंसान आदम पैदा किया ते शैतान भी नाल ही पैदा कर दिता सी, ये कट्ठी पैरल चले आ रहे। अज तो 500 साल पहला बाबा जी ने कहा, सवा 500 साल कह ला, 550 साल मनाया, राजे शी मुकदम कुत्ते ते सलोक तो अज भी वह ढुकदा पिया। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय अज भी ढुक रहा। कबीर साहब का एक बचन है सिर्फ एक प्रमाण दे के, इन मैं कच संगी नहीं नानक साची जान। उस विच एक बचन है कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर, अर्थ बड़े सौखे ने, कौडी कौडी कट्ठी करके लखा करोड़ा कट्ठे हो गए। चलती बार ना कछ मिलियो, जदों बंदा तुर लगा कुछ भी नहीं मिलिया। उस विच अगली एक तुक है, तुक का हिस्सा है लई लंगोटी तोर। इस तुक नूं ध्यान नाल सुनो, लई लंगोटी तोर। एक तो लंगोटी जिहड़ी आम तौर पर असीं देखने आ पुराने समय लोग धोती बांधदे सन लंगोटी जां लंगोट, इस लंगोटी दे अर्थ सूझवान विद्वाना ने ना कईआं ने तड़ागी कीते आ भी सोना लगा हुंदा तड़ागी नाल नहीं। असल च जिहड़ी लई लंगोटी तोर है इनू वासली नू लंगोटी कहिंदे सन। वासली की हुंदी सी कि जिवें कपड़ा लै के लंबेरी जी एक थैली बना लैनी, तो ज़्यादा वड्डी थैली नहीं, बस इन्नी कु बनानी कि उहदे मूँह दे विच्चों गोल मोहर जिहड़ी सोने दी उस थैली दे विच चली जाए। उहदे दोने पासे जिहड़े सी धागा हुंदा सी। पुराने व्यापारी की करदे सन उस थैली विच उस वासली विच उहनू लंगोटी कहिंदे सन, उस लंगोटी दे विच पैसे पा लैने ते उहनू अपने लक नाल बन्ह के रखना। कई बजुर्ग ऐसे देखे घर भी आना अपने लक नाल बन्नी रखनी, ते महाराज कहिंदे आ उह देख जदों तू इन्ना कौडी कौडी कट्ठे करके करोड़ां जोड़े ढिड नाल लक नाल वासली लंगोटी बन्नी थैली बन्नी, जदों अंतला समा आया घर दे कहिंदे ने ये बाहर ना रौला पायो, ये नवाण तो पहला पहला कपड़े लाने तो पहला पहला जिहड़ी लक नाल बन्नी हुई सोने दी मोहरां वाली वासली है थैली है लंगोटी है उहनू शरीर तो वख कर लो। महाराज कहिंदे आई सी जिन अपनी करमान। मेरे कहण तो मुराद इत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब ये गल वल ध्यान दवा रहे ने कि अपनी करमान तुर अंदर, अपना तेवल केवल परमात्मा है, अपना सिर्फ तेरा नाम है। ये सतगुरों ने पहला बचन किया धन दारा संपत सगल जिन अपनी करमान इन मैं कछ, एक कठे शब्द कछ सारे दे अर्थ कर जाएगा, इन मैं इन सारे विचों इन मैं कछ संगी नहीं नानक साची जान, मेरी गल सची जान। अगे फिर सतगुरु बचन कर दे अगला बचन पतत उदाहरण। पतत का अर्थ हुंदा है पापी शब्द ही वरते ने, उंज वैसे पतत का लफ्ज़ ही अर्थ डिग्या होया। उदाहरण उधारकर्ता, पतत उदाहरण
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਲ ਗਿਆ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ, ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੈ ਖਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਅਨਾਥ ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਦਰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਭੈ ਖਰਨ, ਹਰ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ। ਉਹ ਪਤ ਤੂੰ ਉਧਾਰਨ ਕੇਵਲ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਪਤ ਤੂੰ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਏ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਸ਼ੁਭ ਆਚਰਣ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਤਤ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਪਤਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਪਤਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਤ ਲਫਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਬਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਤਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਰਵਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਤਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਤ ਜਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਤ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਤਤ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਤਤ ਜਾਤ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀ ਲੋਕ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਤਤ ਜਾਤ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮਾ ਛੀਂਬਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ 'ਤੇ ਗੱਤ ਪਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਖੋਮੈ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਤਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਾਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ, ਤੁਮ ਤੋਂ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ ਖਰਸ਼ਿਓ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਲਾਹ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪਗ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਹਿਰਦਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣਸਾਰੰਗ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਪਤਤ ਲਫਜ਼
जाति दे तौर पर भी कहा गया। तो इत्थे पत शब्द मैं अर्ज करांगा कि वह बंदे जेड़े अपने जीवन तो डिग पैंदे आ। हाँ, इस गल नूं जरूर ध्यान च रख के तुरीए। जदों असी समाज की बनतर नूं देखने आ, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जिहड़ा कहे मैं बिल्कुल अभुल हाँ। फर्क इन्ना बंदे नूं दूजे की भुल पाप दिसदी है, अपनी भुल विच कह दिंदा रब बख्शन वाला है। फिर सुनियो, दूजा गुनाह करदा ते उहनूं कहिंदा सूली टंग दिओ, ते अपने गुनाह की गल करदा ते कहिंदा नहीं नहीं कोई नहीं, जिंदगी च कुछ हो ही जांदा, रब बड़ा बख्शिंद है। इहदे रब का म्यार दोगला थोड़ा भी तेरे लिए होर ते उहदे लिए होर। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब ने सच जे जिहड़े धर्म तो इखलाक तो डिग चुके आ उहनां लई भी शब्द वरत्या पतत उदाहरण, वह पापियां का भी उधार करन वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च वचन है, चलो मैं तिना का जिक्र किया, उंज पता नहीं किन्ने को है, सिमरन एक ऐसा जिहड़ा हर कलंक धो के चला जाता, सिमरन हर कलंक नूं धो दिंदा। मैं दो का जिक्र सिर बाणी चो, क्योंकि इन्हां चीज़ां नूं आपां कदी भी गुरबाणी तो अखां ओल्लों नहीं कर सकांगे। हुण मैं अजामल का जिक्र किया, वह शुरू तो इस तरह कुकर्मी थोड़ा सी। अजामल कथा करदा राज पंडित है, विद्वान है, पर कुसंग ने माड़े पासे तोर दिता। जदों वह बंदा माड़े पासे तुर पिया, मैनूं याद है सिंह साहब का कल भी जिक्र किया, उन्होंने लिखिया खास करके, वह कहिंदे आ साडे समाज दी इह सुभाक है, एक वारी बंदा जिंदगी च गलती करदा है, असीं इहो जिहे लोहे दे गेट मार दिंदे, उहनूं दुबारा घर वड़न ही नहीं दिंदे। जिंदगी च गलती हो जाए उहनूं छेती कित्ता कोई नेड़े नहीं आउण दिंदा। मैं बेनती करा एक गल होर, भाई साहब गुरदास साहब ने कहा, कहिंदे ने पहली गल अरदास कर डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पर जे जिंदगी च किते डोल गया परमात्मा दे कोल आई, पर एक गल जेन च रख के आई, परमात्मा गुरु रब तेनू बख्श देगा, तेनू समाज ने नहीं वह बख्शना, कदी नहीं बख्शनगे। भांडा टुटेगा, ठठियार टांका ला देगा, पानी वगना तो बंद हो जाऊगा, टांका लोगों नू दिसी जाएगा, सट वजेगी, जख्म भर जाएगा, पर निशानी रहेगी, समाज नहीं कभी बख्शदा हुंदा। ये सच जे भाई सज्जन एक शब्द सुन के संत सज्जन बन गया, पर कथा तो अज भी सज्जन ठग कही जाती है। भाई विधि चंद सीना बन गया, लफज लोग डाकू ही वरती जाते हैं। भाई भूमिया ब्रह्म ज्ञानी बन गया, अज भी शब्द चोरी वरती जाते हैं। कौडा सच्ची मुची अंदर दा भेदी खो गया, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की बख्शिश वाला लफज तो अज भी रक्षिश ने खेड़ा न छड़िया। याद रखियो सत्ता बलवंड गुरु ने बख्श दिते, पर साडा समाज अज भी उन्हां दी व्याख्या जो करता अपने शब्द ही वरता है। मैं बेनती करांगा वह पापियां नूं पवित्र कर दिंदा है, वह पतत उदाहरण है। गुरु तेग बहादुर साहब बड़ा वड्डा तरवास दे रहे, कहिंदे ने जिंदगी च गुनाह हो गया तू वापस घर मुड़िया, वह बड़ा बख्शिंद है सच्चे पातशाह महाराज। मैं बेनती करा ये बाणी चो शब्द कह के, एक गल जिहड़ा बंदा जिंदगी च डिग पिया है ना, उहनूं वेख के हेठ ना करिए, अरदास करिए, यतन करिए बंदा उठ पवे। मैं फिर बेनती करांगा, पर अज समाज का ढांचा नहीं है, सड़क ते लंघदा होया बंदा किते एक्सीडेंट हो जाए लोग भज के जाणगे की होया, दी हैल्प करो, कोई जात नहीं पुछदा, कोई घर नहीं पुछदा, कोई उहदा खानदान नहीं पुछदा। एक फिजिकल तौर पर बंदा डिग पवे भज के लोग चुकदे हो, जदों मानसिक तौर पर बंदा डिग पवे उदों भी चुकना चाहीदा है। एक रुपया जमीन ते डिग पए, टाई शाई लाई होवे, सरदार जी 10 रुपये जमीन ते डिग पैन ते 6 फुट दा नौजवान भी झुक जांदा है उहनूं चुकन दे लई। जदों जिंदगी विच कोई डिग पवे थोड़ा जिहा आपां नूं भी झुकना चाहीदा है, उस बंदे दा कोई राह बन सके। मैं बेनती करां पत तू उदाहरण, नाम सिमरन हर पाप धो देगा। गुरु साहिब जी ने कौन को कलंक रहे हो राम नाम लेत ही, प्यारे हो किदा कलंक रह गया, पतत पुनीत पै राम कहत ही।
गुरु तेग बहादुर साहब का एक वचन कह, मैं उच्च दो शब्द सोठ राग का शब्द मन रे, प्रभ की शरण विचारो जे सिमरत गनका सी उदरी ता को जस उतारो, गनका सी उदरी पतत उदाहरण। लफज जिहड़ा गनका है, मैं एक बार कथा मंजी साहब करदे आ क्या सी गनका, असल च नाम नहीं वेश्या नूं कहिंदे, उंजे दा लफजी अर्थ ये गण तो बनया जी, गण दा अर्थ समूह ज़्यादा बहुते, गणका दा अर्थ है जिहदा बहुत नाल ही तलुकात है संबंधक है। महाराज कहिंदे ओ मना वेख परमात्मा की शरण, उहदा सिमरन करके गनका उधर गए। हुण गनका दा जिक्र बाणी च बड़ी वारी आया, ते अज इन्हां गल्लां नूं सुनाण तों विद्वान वीर भजदे भी आ, चलो जी ये पुरानियां गल्लां ने जी, ये पुराण विच्चों आई है। तो मैं तो एक बार बेनती की, सो भाई सिखो गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्या करनी है, निठ के पहला 10 सहज पाठ करो, पता लगे गुरु ग्रंथ साहिब च की बख्शिश है। हुण गनका बारे क्या जाता है, जो भाई साहब ने भी कहा, गुरदास साहब ने, इन्हें जिंदगी चलो भुल गई थिड़क गई, सचमुच भाई साहब के मुताबिक एक रात दे घर महापुरख आया, कमाई वाला आया। प्यारियो उस दे शरीर दा औरा इन्ना जबरदस्त सी कि गनका दे अंदर मंदे फुरने उन्हें मार के रख दते। सियाने तां इह वी कहिंदे इक्को गल कीती है, बेटी क्या वो रो पई, तो उस साधु ने पूछा तू रोई क्यों, कहिंदी अज तक इस जिस्म नूं वपार वाले बड़े आए, अज एक वो आया है जिहड़ा मेरे गिरी हुई जिंदगी विच्चों भी धी वेखदा पिया है। उन्हूं पता लग गया भी इहदा अंदर पिघल गया, उन्हें कहा पुत्तर तेरा पार उतारा हो सकता राम बोल। उन्हें कहा मैं बोला कि मेरे जेन भी जिहड़ा प्रवाह चलता है चिंतन का, चित भी जिहड़ा चिंतन का प्रवाह चलता है, वासना है केवल। उन्हें कहा एक काम करा तोता पकड़, ये मैनू भी राम जपांदा तू भी जपा, अगे आउणगे बचन मैं सांझे करा जिहड़ा कहिंदा तोता रटन जी। मैं कई बार कहना प्यारे हो इत्थे तां तोते नूं रटांदी हुई गनका वर्गी का उधार हो गया, तोते की तरह कितें रट के देख लईए। सुबह पढ़ावत गनका उधरी सोहर नैनो की पुत्री, तोते नूं पढ़ांदिया निकल गई। मैं बेनती करा भाई साहब ने लिखिया गनका पापण होए कै पापां दा गलहार परोता, महापुरख अचानच गणका वाड़े आए खलोता, दुरमत देख दयाल होए खत्तों उसनू दितोस तोता, राम नाम उपदेश कर खेल गया दे वन सोता, लिव लगी तिस तोत्यों नित पढ़ाए करे असोता, पतत उदाहरण राम नाम दुरमत पाप कलेवर धोता। कलेवर दा तुंदा बॉडी, परमात्मा दे नाम ने उहदे पापी शरीर नूं धो के रख दिता। महाराज कहिंदे ने भाई सज्जनों के पतत उदाहरण वह पापियां दा पार उतारा करन वाला है, भय खरन वो हर तरह के भय तो मुक्ति दे देंदा। हुण भय भी कई ने, मैं बेनती करा निर्मल भौ भी खै, मैला भय भी खै, दैवी भय भी खै, दीनी भय भी खै, दुनियावी भय भी खै, अगे आवेगा भय काहू को देतन, पर वह हर तरह के भय तो मुक्त कर देंदा। पतत उदाहरण भय खरन प्यारियो, खर अनाथ के नाथ, जिहदा कोई भी नहीं ना प्यारियो उहदा स्वामी उहदा नाथ परमात्मा है। कहो नानक ते जानिए सदा पस तुम साथ, ओ अनाथां दा नाथ है। साडे इतिहास विच है पटियाला जींद नाभा, ये रियासतां कित्थों बनियां, कदी दो बच्चे फूल ते संदली चाचा लै के आया, गुरु हर राय साहिब दे सामने ढिड पेट खड़कांदे आए, ते महाराज जी ने यह पुछया बच्चे कि दे, कहिंदे मेरे भतीजे ने दाता मेरे भरा भरजाई की मौत हो गई, तेरे दर तो रोटी मंगण आया। गुरु साहिब कहिंदे आ जिन्हां दा कोई नहीं इन्हां दी औलाद दे घोड़े जमुना तक पानी पीणगे। मैं सिर्फ एक बेनती करांगा जिहदा कोई नहीं उहदा परमात्मा है। पत तो उदाहरण पै करन हर अनाथ के नाथ, ते महाराज कहिंदे ने उहने किते जाणा थोड़ा, मापे जा सकदे आ अनाथ हो जाएगा, माँ जा जाएगी माँ मिटर हो जाएगा, पिता जाएगा जतीम हो जाएगा। मैं तैनू उहदे नाल जोड़ांगा जिन्हें कदी नहीं जाना। कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ, किवें साथ रहिंदा है, चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भुगते, सुयंभव सुभंग सर्बदा सर्ब जुगते, दो कालंग परनाशी दयालंग सरूपे,
दुकालंग भैड़े काल नू आ वेखो जिहड़ा भैड़ा समा आया है। गुरु गोबिंद सिंह कह रहे दुकालंग ये भैड़े काल नू दुकाल नू जिहड़ा समा माड़ा चलता रब उहनू भी खत्म कर देंदा है। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयंभव सुभंग सर्वधा सर्व जुगते दुकालंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगंग विपुते। इस श्लोक विच महाराज जी ने मैं थोड़ा जिहा जोर पतत उदाहरण ते दिता है क्योंकि परमात्मा बख्शदा है। इकबाल कहिंदा है फिर शानी करीमी के हौसले देखे गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं तड़प के शानी करीमी ने ले लिया बोसा कहा जो सर को झुका करके गुनाहगार हूँ मैं। मेरा गुरु कहिंदा है जिस पापी को मिले ना ढोई शरण आवे ता निर्मल होई। सच्ची मुची भाई सत्ता बलवंड भुल गए जदों वापस आए किड्डी वड्डी बख्शिश है जदों गए फिट गए पर जदों वापस आए इन्ना घुट के गले ना लाया। पहला बाणी दे कीर्तनीए सन गुरु ने गले ना ला के ना धो दिता बाणी दे उचारण करता बना के रख दिता। ऐसा दीन दयाल है मेरा सतगुरु इनिया को बेनतियाँ आज स्वीकार करियो।